अच्छा बस सुनिए, अगर आज इनकी नौकरी गई तो पूरा बिहार में जो है ना नहीं तड़का मच गया, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप लोग। आज ये नीतीश ला के काटेगा इसका चलान, क्योंकि समझता है लोगों को कोरोना की वजह से एक बार फिर से देश के कई राज्यों में लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए जगह जगह लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी पाबंदियां हैं। वहीं इन दिनों पाबंदियों में पुलिस का काम भी दोगुना हो गया है। कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए कई बार पुलिस कर्मियों को आम जनता से भी जूझना पड़ रहा है, और ऐसे कई वीडियोज हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से लोगों से कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए जद्दोजहद करती है। ठीक इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की नियमों का उल्लंघन तो कर ही रही है, साथ ही पुलिस वालों से बदतमीजी बदसलूकी भी कर रही है। देखिए, अच्छा एक बात सुनिए, अगर आज इनकी नौकरी गई तो पूरा बिहार में जो है ना नहीं तड़का मच गया, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसकी तो चालान कटने से रही और आप काटने से रहे और आपकी नौकरी भी जाने से। चलिए आज ये नीतीश ला के काटेगा इसका चालान, आइया ने तो आपकी नौकरी अगर छुआ तो उसकी तो ऐसी तैसी होगी होगी, क्योंकि समझता है लोगों को जब मन किया फरमा दिया लॉकडाउन बजा दो बजा दो, अरे जब देखा जब बाजार बंद करवा दिया, अरे रोज ठेला वाला खाता है कमाता है खाता है उसकी क्या भूखे मर रहा, देखो ना रिक्शा वाला भूखे मर रहा। नहीं नहीं, ये वीडियो दिल्ली का नहीं है। इस बार जो पुलिस से बदतमीजी का वीडियो वायरल हुआ है वो बिहार की राजधानी यानी पटना से है। वायरल वीडियो में स्कूटी सवार लड़की को न सिर्फ पुलिस से बदतमीजी करते देखा जा रहा है, बल्कि वो वर्दी उतरवाने तक की धमकियां भी दे रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लॉकडाउन में स्कूटी से निकली महिला को पुलिस कर्फ्यू पास मांगने के लिए रोकती है। वीडियो में वो कहती है कि हमारा कर्फ्यू पास कल बनेगा, आज अगर आपकी नौकरी जाती है तो पूरे बिहार में ना दंगा मच जाए तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि मेरा तो चालान कटने से रहा आप काटने से रहे। इसके बाद महिला बेहद बदतमीजी से सूबे के मुखिया नीतीश कुमार का नाम लेते हुए कहती है, वही आकर काटेगा चालान, जब मन हुआ लॉकडाउन बजा दिया बाजार बंद करवा दिया, अरे ठेले वाले का रोज कमाता खाता है उसका क्या, देखो जाकर भूख से मर रहा है, यहाँ चालान पर चालान कट रहा है, ये चालान कट कर जाता कहाँ है, नीतीश कुमार की पॉकेट में या मोदी सरकार की पॉकेट में। उसको जाके पूछे कभी कि वो भूखा है कि नहीं, उसको खाना देने निकलो तो वीडियो शूट हो रहा चालान पे, चालान काटे जा रहे, ये चालान कट के कहाँ जाती है, नीतीश कुमार के पॉकेट मोदिया के पॉकेट में, ले लो मोदिया निकाल लो पैसे दे दिया मैंने। महिला यही नहीं रुकी, आगे देखते जाइए। इसके बाद पुलिसकर्मी महिला को हेलमेट ना पहनने के लिए टोकते हैं तो कहती है, हेलमेट को लात मार दीजिए क्योंकि उससे ज्यादा ये लॉकडाउन कोरोना के लिए है, कोरोना में आदमी मर जाता है तो हेलमेट क्या करेगा। महिला लगातार जोर जोर से चिल्लाती रही, सुनना चाहते हैं किसकी पोल खोलूं मैं आज, अस्पतालों में क्या हो रहा है, आदमी खांसी लेकर जाता है और कहा जाता है कि कोरोना हो गया। हेलमेट को लात मारिए क्यों, क्योंकि हेलमेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी कोरोना को लेकर किस लॉकडाउन किया गया है, कभी पूछा आपने कि अगर कोरोना में आदमी मर जाता है तो हेलमेट का ओझ मिलेगा, पूछना चाहते हैं पोल खोलू किसकी पोल खोलू, अभी मैं खोल दू पोल आपको, हॉस्पिटल में क्या होता है आदमी खांसी होकर के जाता है लेकिन उसको बोल देता है कि कोरोना हो गया है, रीजन कि उसी का हॉस्पिटल उसी का साला रिपोर्ट उसी का बनाने वाला रिपोर्ट सारा कुछ उसी का टोटल चीज उसी का, क्यों मुझे आप पूछिए ना मुझे सवाल, कोरोना किसको नहीं है आज के डेट में। वो यहीं नहीं रुकती, इसके बाद स्कूटी से एक टिकट निकाल कर लाती है और कहती है, ये देखो मेरा ट्रेन का टिकट, जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही, 3 घंटे से घूम रही हूँ। 1.5 लाख की स्कूटी तो स्टेशन पर पार्क नहीं कर सकती, जो अपराध करता है उसको डंडा मारूं, काम के सिलसिले में जाना गुनाह है क्या, मेरे घर पर फॉर्चुनर गाड़ी लगी है मैं निकल नहीं सकती। महिला आगे कहती है, ये सब कर रही है मोदी सरकार। इस बीच वो गाली गलौज करती है, कहती है वो मेरा चालान क्या काटेंगे, मैं उनका चालान काटूंगी। करो इसको क्या है, ये मेरी टिकट है, मुझे गाड़ी नहीं मिल रहा, ये मेरी टिकट है और मुझे गाड़ी नहीं मिल रहा जंक्शन जाने के लिए, सर आप बताइए मैं कैसे जाऊँ, इसको लेके जाऊँ कहाँ लगाऊँ, की 1.5 लाख की गाड़ी चोरी कर लेगा कुछ भी कर लेगा कहाँ लगाऊँ, उसके चलते 3 घंटे से फिर रही थी मार्केट में, कहीं गाड़ी मिल जाए कहीं गाड़ी मिल जाए कहीं गाड़ी मिल जाए, कोई गाड़ी निकालने को घर से तैयार नहीं है, क्यों
क्योंकि पुलिस वाले डंडा देते हैं। अरे डंडा उसको दो ना जो गुनाह करता है, जो अगर जो आदमी अपने काम के सिलसिले में अगर जा रहा है उसको सवारी को छोड़ने के लिए, ये कौन सा गुनाह है मुझे बताइए? क्या ये सही रहेगा? मेरी गाड़ी को लेकर ना 1.5 लाख की गाड़ी, कुछ हो गया तो 3 घंटे से फिर रही हो पटना में, मेरी फॉर्च्यूनर लगी है घर पे, वो निकल नहीं सकती, उसमें पास नहीं है, ये सब करके रखा है मोदी। मुझे सिखाने चले कानून, सिखाओ बैठ कर। अजीब बात यह है कि ये सब तमाशा काफी देर तक चलता रहा, लेकिन महिला स्कूटी पर बैठकर निकल भी जाती है, पुलिस कर्मी सिर्फ मुखदर्शक बने हुए देखते रहते हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली में भी एक महिला ने हाल ही में बदसलूकी की थी, हालांकि दिल्ली पुलिस ने तुरंत इस पर एक्शन भी लिया था, जिसके बाद महिला ने माफी भी मांगी थी। देखिए, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आपसे अपील करता है कि पुलिस कर्मी लगातार इस कोरोना काल में अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो हो सके तो कोरोना की गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, और ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी बेहतर है, और देश की भी इसी में भलाई है।